कितना सुंदर दिख रहा है देखो। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंगा हैंडी ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ग्रासलैंड, जिसमें है बहुत बहुत सारा ग्रास। तो ग्रासलैंड में आज जाएगा तो आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता बहुत सुंदर है। तो बेसिकली हम वहाँ पे पहले भी गया था, लेकिन मैं आसामीस ब्लॉग बना था, लेकिन आज हिंदी में ब्लॉग बनाएगा आप लोगों के लिए, हिंदी सब्सक्राइबर के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि पूरा ग्रासलैंड से देख पाए। वो है इंडो भूटान, मतलब भूटान के पास। तो आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा, एक इंटरनेशनल जगह। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बना रहे और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी। ये नागरी जिले मेन मेन आइलैंड, ये है हमारा मेन मेन आइलैंड, क्योंकि यहाँ ये जो आइलैंड है ना, ये लोगों ने मिलके बनाया है। देखो वो पूरा नदी, वो वाला भूटान पहाड़, उसके बाद ये पूरा बड़ा नदी, तो नदी इस तरफ एक पर उस तरफ से भी गया, तो बीच में ये है आइलैंड जो कि मेन मेन आइलैंड। तो इस तरफ भी देख सकते हो गाइस, फाइनली हम पहुँच गया ग्रासलैंड का बॉर्डर एरिया। ये देखो पूरा गेट दिया हुआ है इधर, ये क्या बोलता है, नदी आ रहा है। देखो छोटा सा ये नाला है, नाला। तो आगे देखो ये पूरा भूटान पहाड़। तो आप लोग देख सकते हैं रास्ते में कितना बड़ा बड़ा ऐसा पानी पानी होता है। तो फाइनली पहुंच गया हम ग्रासलैंड। ये देखो अभी भी मेन लोकेशन अभी नहीं पहुँचाई, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे देखने से तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई आदमी आया है आज, सिर्फ अगर हम लोग है तो थोड़ा डर लगेगा। तो गाइस फाइनली आ गया ग्रासलैंड। ये देखो इतना अच्छा नज़ारा, ये देखो ये रहा ग्रासलैंड, लेकिन अभी थोड़ा ग्रास काट दिया है। तो अभी इस तरफ देख सकते हो दूर में भी पूरा ग्रासलैंड, तो इसलिए इसका नाम है ग्रासलैंड और ग्रीनलैंड, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रीनरी होता है। और इस मौसम में यहाँ पे पूरा ये मतलब सूख गया ना, ये सारा ये जो है ना ग्रास है ना, ये सूख गया अभी। तो ग्रासलैंड और ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे पूरा रिजॉर्ट वगैरह बना रहा है। देखो वो वाला यहाँ पे बना रहा है, तो चारों तरफ मतलब रिजॉर्ट ही बना रहा है अभी। तो कुछ साल बाद ये प्लेस भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये नया नया प्लेस है, नया नया इन्वेंट हुआ, मतलब नया नया ये प्लेस को लोग जानने लगा है, तो इसलिए इतना अभी डेवलप नहीं हुआ, धीरे धीरे बहुत डेवलप होगा। आप लोग देख सकते हो वो वाला जो पहाड़ है ना, वो है बोगामाटी, ज़्यादा दूर नहीं है वो, बोगामाटी का रास्ता थोड़ा आगे से था। और ये हम लोग देख ही सकते हैं इधर से ही वो वाला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तुम पानी देखो कितना साफ पानी, पूरा नीचे का खिल दिख गया है। देखो तो कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखो इतना सुंदर नज़ारा। अभी सनसेट होने वाला है, 4:30 हो गया। इधर से हम चलते हैं, पूरा रील सील बना लिया अभी यह। तो यहाँ से पूरा ना मतलब खराब, देखो ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रील फोटो वगैरह शूट कर लेते हैं, पूरा अभी तो अंदर होने वाला है। देखो पूरा अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया, हम अभी भी इधर है इतना दूर पे, तो अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा बाइक ये रहा, तो अभी इधर थोड़ा फोटो खींच लेते हैं, तो उसके बाद इधर से हम भी जाएगा। तो दोस्तों अभी सनसेट का नज़ारा देखो, ये रहा कितना सुंदर दिख रहा है। देखो अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कैसा कैसा कलर आ रहा है, पूरा रेड रेड हो गया। देखो पूरा रेड, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पूरा रेड हो गया, मतलब ऑरेंज हो गया, तो मुझे भी ऑरेंज लग रहा है, मेरा चश्मा के कलर जैसा पूरा सब कुछ। तो अभी इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रहा बोगामाटी,
तो इस एरिया में मतलब बहुत हाथी निकलता है, तो जल्दी से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रिस्की होगा यहाँ रहना, तो अभी जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।